नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। गए सब लोग? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। सोनिया, वेरी गुड सोनिया, गुड इवनिंग सोनिया, गुड इवनिंग। चलो, इसका मतलब क्लास अब चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि क्लास चल रही है। ठीक है, एक दो मिनट और रुक जाते हैं ताकि सब बच्चे आ जाए, फिर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो, जब सब क्लियर है, ठीक है, बच्चे आते रहेंगे धीरे धीरे, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं शाम को 8 बजे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, सो फीलिंग गुड के शाम को 8 बजे क्लास हो पा रही है। पर ठीक है, कल से आपकी वही 7:30 बजे मॉर्निंग में क्लास होगी, उसकी आप चिंता मत करना। ठीक है, वो आज कुछ काम था मुझे, इसलिए मैंने आज शाम को क्लास ली है। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट्स की। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि तुम सब असाइनमेंट्स कर रहे होंगे। मैंने तुमको असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, और असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है ना, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। असाइनमेंट नंबर 1 के वीडियो सॉल्यूशंस भी मैंने डाल दिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको वो वीडियो सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, असाइनमेंट्स करते जाइए। मैं जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको एक मेजर टेस्ट दूंगा। आ रही बात समझ में? जैसे ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, आपके पास में एक मेजर टेस्ट भी आएगा। ठीक है ना? हाँ, अरे तो जयश्री कब दोगे बेटा? मैं आज रात तक तो तुमको वीडियो नंबर असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशंस भी करके डाल दूंगा, है ना? तो रात को 12 बजे से पहले पहले असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों? क्योंकि आज रात को 12 बजे से पहले पहले, मतलब 12 बजे के आसपास ही मैं असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशंस डाल दूंगा। और अगर मैं डाल भी दूं, तुम अटेम्प्ट नहीं ले पाओ, ठीक है ना? हाँ, वो डिस्कस कर लेंगे अपन थोड़ा। तुम असाइनमेंट नंबर 2 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, उसकी प्रॉब्लम को अपन डिस्कस कर लेंगे लास्ट में भी ना, इस क्लास के लास्ट के 15 मिनट्स में अपन, या 5 मिनट के अंदर अंदर, लास्ट 5 मिनट में मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तुम्हारी, है ना? तो अगर मान लीजिए कि तुम लोग अगर असाइनमेंट नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं ले पाओ, तो कोई बात नहीं, कर ले लेना। बट सॉल्यूशंस अटेम्प्ट करने के बाद ही देखना। जैसे ही आप असाइनमेंट नंबर 2 अपने एंड पे कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, देन उसके बाद फिर जो है आप अपना वो ले लेना, सॉल्यूशंस देख लेना। सॉल्यूशंस तो मैं डाल दूंगा वीडियो सॉल्यूशंस असाइनमेंट नंबर 2 पे, है ना? जो प्रॉब्लम है, जैसा कि सोना बता रही है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो मैं डिस्कस कर लूंगा लास्ट में। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है, वो तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तुम बस एक बार टेलीग्राम के ऊपर मुझे वो पिक सेंड कर देना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कौन सा था, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। ठीक है, मैंने कल आपको ये समझाया था कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी कि सिंपल क्यूबिक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें केवल 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के ऊपर, और उन 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक एक एटम विराजमान होता है। 8 लैटिस पॉइंट है, एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8ों का मिला के 1, ऐसा हम लोगों ने कल देख लिया था। अब 2 पॉइंट लिखने के बाद में, मतलब पहला मैंने आपको कोऑर्डिनेट नंबर समझा दिया था कि उसमें कितने कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं, 6 होते हैं। डायग्राम भी बना के दिखा दिया था कि कैसे उसमें 6 होते हैं, है ना, क्यूब बना के, तीन 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 जो नियरेस्ट एटम्स होते हैं ना। कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक एटम के नियरेस्ट जितने एटम होते हैं वो उसके कोऑर्डिनेट नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना?
तो वो मैं डिस्कस कर चुका था। हाँ, उसी को तुम मॉडिफाई कर लो। सॉरी यार, मैं नो डाउट, मैं जब भी पढ़ाता हूँ कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराता हूँ। स्वर्णा तो आई थिंक शायद तीसरी चौथी बार पढ़ रही है, क्यों स्वर्णा? तो स्वर्णा को तो खैर हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मिल जाता है। तो मॉडिफिकेशन होता है मेरे कंटेंट में, बट वो थोड़ा बहुत होता है। इसलिए आप उसी रजिस्टर को कंटिन्यू करके जो मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ कंटेंट भी बढ़ेगा, तो कंटेंट जो है वो सब होगा। ठीक है, हाँ। तो थर्ड टाइम अगर सोना तुम्हारा है तो थर्ड टाइम में तुम्हें पता लग गया होगा कि तीसरी बार भी कुछ ना कुछ तो चेंज करा ही रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इस बार दो नई बुक पढ़ी है सॉलिड स्टेट की, जो मैंने आपको बताई ना, उन तीन बुक्स के अलावा चौथी बुक और पढ़ी है मैंने इस बार। चौथी और पांचवी दो बुक और पढ़ी है। हिमांशु, देखो तुम्हारी तरफ से शायद नेटवर्क का इशू होगा मेरे हिसाब से। मेरे को तो दिक्कत नहीं आ रही सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, ऐसा है क्या? अगर मेरे से प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या आ रही नेटवर्क में, ये बताओ। इशू किस तरफ से आ रहा है नेटवर्क का? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी की दिक्कत मत लो, मेरे मेरे चेहरे का तुम्हें करना क्या है, तुम तो कंटेंट पे ध्यान दो बस। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो सुनो बच्चों, मैं फिर से एक बार तुमको रिवाइज करवा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या रहा है, मैं फिर से तुमको बता दूँ जो लास्ट मैंने आपको बताया था, कि जो एक नॉर्मल होता है ना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल क्यूबिक के अंदर क्यूब होता है। किसी भी एक एटम को आप ओरिजिन मान लीजिए, और उसके नियरेस्ट कितने एटम्स हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। जैसे मान लो ये कोई क्यूब है, अब इस क्यूब के ऊपर भी कोई ना कोई क्यूब होगा, क्योंकि ये तो एक यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल जो है ना, वो एक तो होता नहीं है, यूनिट सेल बार 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 रिपीट होता है, ताकि आपके क्रिस्टल का निर्माण हो जाए। तो क्रिस्टल के निर्माण के लिए याद रखना कि यूनिट सेल का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो मेरी बात समझना ध्यान से बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये है, ये कोई ओरिजिन नहीं लिया, ऐसा नहीं कि यही लोग और भी ले सकते हो, इसके पीछे भी कोई ना कोई क्रिस्टल होगा। देखो ये रहा, ये कोई ना कोई पीछे इसके क्रिस्टल होगा, नो डाउट कोई ना कोई क्रिस्टल होगा, यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो ये होगा कोई ना कोई क्रिस्टल। ठीक है, इसके नीचे भी कोई ना कोई क्रिस्टल होगा, इसके नीचे भी कोई ना कोई क्रिस्टल होगा, मतलब यूनिट सेल होगा, नो डाउट। ठीक है, और इसकी चारों दिशाओं में कोई ना कोई यूनिट सेल होगा ही होगा, क्योंकि एक यूनिट सेल से थोड़ी क्रिस्टल बनता है। ठीक है ना? अच्छा, उसका इलाज करूंगा मैं। एक बार तो मुझे व्हाट्सएप पे याद दिलाना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सोनी सर की क्लास में होता है क्या ऐसा? क्योंकि अगर उनकी क्लास में नहीं होता होगा तो फिर कोई ना कोई ऑप्शन होगा, मुझे वो पूछना पड़ेगा उनसे, सोनी सर से, कि कौन से ऑप्शन से हटाते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो ये जो एटम है ना, इसके नजदीकी एटम देखो आप, हटा दिए ना, तो मैं एक बार उनसे पूछ के हटाऊंगा। ठीक, उनसे पूछना पड़ेगा मुझे, मैं पूछ लूंगा, डोंट वरी। ओके, सुनो, तो ये मेरे पास मान लो ये कोई एटम है, तो इस एटम के नजदीकी कौन कौन से एटम है? एक तो ये वाला एटम है जो ए डिस्टेंस पर है ना, एक ये वाला एटम है जो ए डिस्टेंस पर है, एक ये एटम है जो ए डिस्टेंस पर है, एक नीचे की तरफ होगा एक एटम, ये भी ए डिस्टेंस पर है, ये भी ए डिस्टेंस पर है, और इसके पीछे कोई क्रिस्टल होगा, नो डाउट इसके पीछे भी कोई ना कोई क्रिस्टल जरूर होगा। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला क्रिस्टल है वो भी ए डिस्टेंस पर है। तो कुल मिला के मैंने कल आपको समझाई थी, प्लस ए माइनस ए जो कि एक्स एक्सिस पर है, ये प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया एक्स एक्सिस पर, प्लस ए और माइनस ए वाई एक्सिस पर, और प्लस ए और माइनस ए जेड एक्सिस पर। तो इस प्रकार से एक
ओरिजन के अराउंड 6 प्रकार के नजदीकी एटम होते हैं। अब आप बोलोगे सर इस ये भी तो नजदीकी है। नहीं बेटा ये नजदीकी नहीं है, एक्चुअली ये ए डिस्टेंस पर है ना, तो ये ए डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। जैसे मान लीजिए अगर सेम फेस का है, मान लो ये सेम फेस का है, तो ये √2 ए डिस्टेंस पर है। और अगर ये उस पर है, क्या बोलते हैं, डायगोनल जैसे होता है ना किसी भी क्यूब का डायगोनल, तो अगर डायगोनल पे है तो √3 a डिस्टेंस पर है, तो भैया नजदीक का हुआ a डिस्टेंस से ऊपर हो गया। मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस पर लेना है उसको, नियरेस्ट डिस्टेंस उसकी a डिस्टेंस ही होगी जो कि 6 एटम होंगे। तो इस प्रकार से आप ये मान सकते हो कि एक एटम के अराउंड 6 नजदीकी एटम पाए जाते हैं। सो देर आर 6 नियरेस्ट एटम्स अराउंड एनी एटम विच यू हैव टू कंसिडर द ओरिजन। ठीक है, सो यू हैव टू कंसिडर एनी एटम एज एन ओरिजन एंड फाइंड दैट हाउ मेनी एटम्स आर द नियरेस्ट अराउंड इट। तो ये सब रफ डायग्राम है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमको तो मेन कंटेंट पे आना है। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेट नंबर समझा दिए, ठीक है। अब आपको ये जितने भी मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, क्रिस्टल सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये 3 क्रिस्टल सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं ये तीनों आस आपको समझाऊंगा, इसके सारे पैरामीटर्स मैं आपको समझाऊंगा। आपको लास्ट में जितने भी मैं क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ाऊंगा, जैसे आज तो खत्म होगा नहीं क्रिस्टल सिस्टम, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल एक टेबल बनवाई जाएगी आपसे, उस टेबल में बहुत बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं लिखाऊंगा। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं एक बार, उनको वो टेबल आई होप आधी अधूरी याद होगी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उन बच्चों से कि वो बिना देखे उस टेबल को डिजाइन करें कल। आज तो मैं नहीं बोलूंगा आपसे, ठीक है, आज तो मैं ये पढ़ाऊंगा, कल हम लोग उस टेबल के बारे में जानकारी देंगे। उसमें केवल पैरामीटर्स ही लिखेंगे, है ना, तो वो आपको सारे याद होने चाहिए, बिकॉज आगे क्वेश्चंस में वो सारे पैरामीटर्स काम आते हैं। ठीक है, तो जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा मैंने आपको कल 2 पॉइंट लिखा दिए थे सिंपल क्यूबिक के बारे में, हमारा वही रनिंग है, सिंपल क्यूबिक का ही पोर्शन तुम्हारे नोट्स में रनिंग होगा। मैं आज आपको तीसरा पॉइंट लिखाने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, वो मैं आपको फिर समझा चुका हूँ। 8 8 4 8 8 मतलब 8 8 1 दैट इज कॉल्ड 1। तो वहां 1 था, कोऑर्डिनेट नंबर में आपको समझा चुका हूं। अब बात करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब सबसे नजदीकी जो एटम है उसका डिस्टेंस कितना है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, समझना बच्चों। अरे हिमांशु को क्या प्रॉब्लम हो रही है, हिमांशु मैं बेटा वो सॉरी सर से पूछ के एक बार है ना तुम्हारा सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। मैं ना आज उनसे पूछ लूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है बच्चों के, सर्किल की वाले नाम मुझे एक बार वापस से थोड़ा सा बता देना तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में। देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होती है ना उसे कोऑर्डिनेट नंबर भी बोलते हैं, सॉरी कितने नंबर्स हैं वो होता है खैर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मैं लिखा दे रहा, फॉर मोनोक्रोमेटिक बेसिस तुम स्क्रीन क्वालिटी बढ़ा दो बेटा, ब्लर दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन क्वालिटी, किस उसमें चल रही है मुझे नहीं पता एक्चुअली, वहां से ऑप्शन आता है ना, कोई स्क्रीन क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन भी आता ही है। एक मिनट, जो मैं लिख रहा हूं वो तुमको ब्लर दिख रहा है क्या? या फिर देखो जैसे लिखा है ना ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एजे फिजिक्स, ये क्या दिख रहा है?
अच्छा कैमरे की वजह से दिक्कत आ रही है। चलो कोई मिनट, कैमरा साफ कर दिया। और बताओ। ये बताओ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज ए फिजिक्स जो लिखा हुआ है ये क्लियर दिख रहा है क्या? क्योंकि वो एकदम परफेक्टली उसी में दिख रहा है। तुम ब्लर स्लाइड की बात कर रहे हो या मेरे फोटो की बात कर रहे हो बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? स्लाइड ब्लर दिख रही है। हाँ स्लाइड इज लिटिल ब्लर्ड बट हाउ व्हाई व्हाई इट इज ब्लर्ड एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है एक्चुअली। रुको एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। विंडो कैप्चर में जाके पिक्सल भी ठीक है। ये प्रॉब्लम आज ही क्रिएट हुई है मेरे हिसाब से। पहले तो सही था यार ये। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देखता हूँ अगर कुछ हो जाए तो। नो देवसी दिस इज द ओबीएस स्टूडियो ना। दिस इज द ओबीएस स्टूडियो एंड द स्लाइड इज डायरेक्टली प्रेजेंटेड बाय द ओबीएस। सो आई एम जस्ट सेटिंग द फिल्टर्स एंड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन एडिट द ट्रांसफॉर्म। इफ आई 0 pixel, so I just पिक्सल चेंज कर सकता हूँ ना मैं इसके। देखो ट्रांसफॉर्म में जाके अगर मैं पिक्सल चेंज करता हूँ टॉप टू बॉटम वो पिक्सल को दिक्कत आ रही थी मेरे हिसाब से। अब ठीक है कैसा हुआ? वो मैंने पिक्सल चेंज कर दी उसके। पहले सही था। वापस पिक्सल चेंज करता हूँ रुको मैं। एक फिर ट्राई करता हूँ। अब एक मिनट में एक काम और नेटवर्क चेंज करता हूँ ना मैं। रुको रुको रुको
थोड़ा नेटवर्क चेंज किया है मैंने, अब देखना। आप सही है। ठीक है, करूँ स्टार्ट, चले अगेन। ओके, थैंक यू। ओके, सो अब शुरू करते हैं भैया, बहुत देर हो गई इसको सही करते करते भी। हो गया, ठीक है। तो देखो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी मोनोक्रोमेटिक बेसिस के लिए, फॉर द मोनोक्रोमेटिक बेसिस, फॉर मोनोक्रोमेटिक बेसिस, फॉर मोनोक्रोमेटिक बेसिस, फॉर मोनोक्रोमेटिक बेसिस, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। तो देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एटम्स जो है ना, वो म्यूचुअली कनेक्ट होते हैं। मैंने आपको जो लास्ट टाइम डायग्राम दिखाया था, तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकल रही, जैसे मान लो दो एटम्स हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो इनके बीच की, एकदम बीच की डिस्टेंस होगी। तो एटम का अगर रेडियस हम आर अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, तो ये जो एक एटम है, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं, सपोज 0 0 0 पे एक एटम रखा हुआ है या उसका सेंटर रखा हुआ है, तो दूसरा एटम ऐसे मान लेते हैं कि वो ए डिस्टेंस पर होगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप खुद देखो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एक लाइन की फॉर्म में होगा। तो अगर देखा जाए तो आप लोग इसका 2R जो निकालोगे वो एक लाइन का इक्वेशन होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि a माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस a माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एक सिंपल लाइन का आप वो निकाल लो लेंथ, a माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एंड सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा टू आर इज इक्वल टू ए। और देखो, ये तो मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट से भी आप लोग इसको, अगर आपको कोऑर्डिनेट याद है ना तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। यू कैन डायरेक्टली फाइंड इट बाय द कोऑर्डिनेट्स। तो देखो, ऐसे मान लीजिएगा कि टू आर तो उनका बीच का डिस्टेंस होगा ही सही, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपको है तो उसको स्क्वायर सम कर देना, बस ये सबसे बढ़िया, सबसे शॉर्ट तरीके इसको निकालने की। जैसे मैंने कल आपको 6 दिखाए थे कोऑर्डिनेट, सो वी हैव डिस्कस्ड 6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो यू जस्ट टेक एनी वन कोऑर्डिनेट एंड सिंपली स्क्वायर सम कर दीजिए उसका। हाँ, 1D में ही है, ठीक है। हमको तो किसी भी एक डायरेक्शन निकालना है ना, जो उसकी एक्स में निकाल लो, वाई में निकाल लो, तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आप लो, स्क्वायर सम कर दो, चाहे तो -a 0 0 को ले लो, चाहे तो 0 0 -a को ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, एनी वन यू वॉन्ट टू टेक, ठीक है। बस उसका स्क्वायर सम कर देना किसी भी कोऑर्डिनेट का, तो आपको उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने a 0 0 लिया है और उसको स्क्वायर सम कर दिया है, तो मुझे उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर a जो है ना, उसे लैटिस कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। a को हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस कॉन्स्टेंट। अच्छा हाँ, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, मैंने गलती से लिख दिया वो ए, वो 0 0 होगा वो, ठीक है। सो 0 -0 एंड 0 -0, यहाँ ए को हम बोल देंगे लैटिस कॉन्स्टेंट, ए को हम क्या बोल देंगे, लैटिस कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट थिंग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या बोलोगे बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नंबर फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? तो इसमें तो बड़ी कोई बात नहीं, खैर आप लोग यहां पर ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है और क्यूबिक की एक साइड आप लोग अज्यूम कर रहे हो ए है। ठीक है, सो इफ द वन साइड ऑफ क्यूब इज ए, दैट सिंपली द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब। अब सिंपल सी बात है, चाहे आप सिंपल क्यूबिक लो तो भी वो सिंपल क्यूबिक, नाम तो उसका क्यूबिक ही है ना, तो वॉल्यूम तो उसका ए क्यूब ही आएगा। चाहे आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लो तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बस बॉडी के बीच में एक एटम आ चुका है, बाकी है तो वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर ना। तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर की वजह से उसका जो एक साइड है वो तो ए ही होगा, तो वो क्यूब का वॉल्यूम तो ए क्यूब ही आएगा। चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों ना लो, तो बॉडी सेंटर्ड लो, फेस सेंटर्ड लो या सिंपल क्यूबिक लो, तीनों ही स्ट्रक्चर में यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्यूब स्ट्रक्चर होगा और क्यूब स्ट्रक्चर की वजह से उसका वॉल्यूम हमेशा ए क्यूब ही रहने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप लोग यहां लिख दो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वी इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, नंबर फोर के बाद नंबर फाइव, नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स। फर्स्ट नेबर तो आपने निकाल लिया, सेकंड नेबर तो निकाल लो एक बार। पॉइंट नंबर फाइव, नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स, नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स, ये आपको सिंपली याद रखना है। मतलब इसमें ज्यादा समझने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि आपको फिर मुझे और आगे के दिखाने पड़ेंगे एटम्स, मतलब फिर वो 3D वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा भारी पड़ जाएगा। हालांकि मैं बस आपको मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि नंबर ऑफ सेकेंड नेबर्स इसमें 12 होने वाले हैं, और जो डिस्टेंस होगी ना उसकी, वो आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि डिस्टेंस क्या होने वाली है उसकी। सबसे नजदीकी जो सबसे नियरेस्ट होगा ना बेटा, वो तो ए डिस्टेंस पे है। जैसे मान लो ये एटम है, इसके नियरेस्ट तो ये ए डिस्टेंस पर है, ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है। बट अगर कोई दूसरा थोड़ा दूर का एटम देखा जाए तो वो ये वाला है, तो ये नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना वो √2a है। फिर से ब्लर हो गया? अरे फिर से इशू आया नेटवर्क का, ऐसे कैसे हो गया ब्लर? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, रुको रुको एक मिनट। पता नहीं आ रही क्यों हो रहा है यार, ये तो पहली बार हुआ है मेरे साथ भी। नेटवर्क तो मैंने चेंज कर दिया, अब तो अब क्या दिक्कत आ रही है इसको, नेटवर्क भी परफेक्ट ले रखा है। मेरी स्क्रीन में तो बढ़िया दिखा रहा है यार, मुझे जो स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो बढ़िया दिख रही है, तुम्हारी स्क्रीन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है फिर? रिजोल्यूशन इशू कहाँ से आ गया? इसको कहाँ से ठीक करता हूँ? मैं विंडो कैप्चर में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाके, पिक्सल्स तो ठीक है,
साइज अरे फिल्टर आप सही है। चलो मैंने तो कुछ किया नहीं, देखो अपने आप ही हुआ है वो सही। नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स समझ लो, ये जो आपका एटम है ना, ये वाला, ठीक है, एचडी क्वालिटी, ठीक है, तो ये सबसे नियरेस्ट एटम है जो ए डिस्टेंस पर है। उसके बाद में ये वाला जो एटम है ना, ये √2a डिस्टेंस पर है बेटा। सो दिस इज एट द √2a। तो √2a डिस्टेंस पर सेकंड होगा। फिर इससे और दूर जाओगे ना तो ये बॉडी डायगोनल होगा। ये तो फेस डायगोनल कहलाता है। तो फेस डायगोनल पे जो है सेम फेज में, ठीक है ना, वो तो तुम्हारा √2a डिस्टेंस पर है। तो ए के बाद जो डिस्टेंस होगी वो √2a डिस्टेंस होगी। √2 का मतलब 1.414। सो एक से तो बड़ा हो गया ना वो। फिर ये वाला जो बॉडी डायगोनल होगा ना एटम, वो √3a डिस्टेंस पर होगा। तो 1.7 के आसपास का होता है √3 का मतलब। तो इसका मतलब ये होगा कि थर्ड जो होगा वो √3 पर होगा। बट कितने नंबर्स में ये होगा, तो नंबर याद रखना कि 12 होते हैं। द सेकेंड नियरेस्ट जो नेबर्स होते हैं ना, वो 12 होते हैं। एक मिनट मैं सर्च करता हूँ, जस्ट वेट। अपन सर्च कर सकते हैं जयश्री, इसी बात नहीं, 12 एटम हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड नियरेस्ट नेबर्स इन सिंपल क्यूबिक। ये लो, मैं आपको अगर कोई अच्छी सी इमेज दिख जाती 3D में तो मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे। हाँ ये रहा परफेक्ट इमेज, ये रही। आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, इसमें ये देखो, ये 12 दिख रहे हैं ना, 12 नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, ये रेफरेंस, रेफरेंस मतलब ओरिजिन होता है बेटा। ओरिजिन ये बीच में है, ठीक है ना। सो ओरिजिन ये बीच में है। इसके अलावा ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ये ऑरेंज कलर में जो है, ये सेकंड नियरेस्ट नेबर्स हैं। तो ये परफेक्ट डायग्राम है आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना, ये परफेक्ट डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो जो तुमको दिख रहे हैं ना ब्लू कलर पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब √2a डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। दे ऑल आर एट √2a डिस्टेंस, दे ऑल आर एट √2a डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आ जाऊँ वापस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये मुझे बस लिखाना है। समझने के लिए आप डायग्राम देख लो, बाकी आपको याद रखना है कि 12 एटम्स हैं। खुद से कैसे कर सकते हो, खुद से देखो, एक यूनिट सेल के ऊपर दूसरा यूनिट सेल आपको डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट सेल से तो काम चलेगा नहीं। ये देखो, इसने तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट सेल बना रखे हैं इसने। तब जाके आपको आसपास के 3D डायग्राम दिखा पूरा आसपास का, ठीक है। 8 यूनिट सेल इसने डिजाइन कर रखे हैं, तब जाके √2a आप इसका देख पा रहे हो, √2a वाले हैं। अरे तो मैं तुमसे कब कह रहा हूं कि तुम माइंड में रखो। तुम एक काम करो, नोट्स बनाओगे ना, नोट्स में जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो वहां लिख लेना टेबल में कि सेकंड नियरेस्ट नेबर्स 12 होते हैं और उनकी डिस्टेंस √2a होती है। बस इतना तो याद रख लोगे, 3 4 बार टेबल पढ़ोगे अपने आप याद जाएगी टेबल, ठीक है। और आपको इतना ही याद रखना है बस, ठीक है। समझने के लिए डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस डायग्राम में ये ऐसा ही है, मैं आपको दिखा दूँ इस डायग्राम में। देखो ये ना, ये एक यूनिट सेल है, ये रहा,
ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पीछे उसके एक और यूनिट सेल है, फिर ये पीछे यूनिट सेल, और ये तो ये जो सरफेस दिख रही है ये वाली, इसमें 4 यूनिट सेल है बेटा, सो देर आर 4 यूनिट सेल्स, ठीक है। और इसके ऊपर एक और बिल्डिंग ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें भी 4 यूनिट सेल्स हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कुल मिला के इसने 8 यूनिट सेल आपको दिखा रखे हैं, और इन 8 यूनिट सेल में ही आप देख पाओगे कि कुल मिला के 12 एटम होंगे। जूम कैसे करूं, रुको 1 मिनट, व्यू इमेज पे जाता हूं मैं, अगर ये कर देगा तो जूम, इसको थोड़ा जूमिंग करके दिखा सकता हूं मैं, ये लो अब ठीक है, ठीक है निकेत, दिख रहा है बढ़िया। अब मैं आपको सबसे पहले मैं यूनिट सेल कौन कौन से हैं, ठीक है, ये इसमें पेन चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें पेन तो क्या चलेगा नहीं, लगता नहीं कि पेन चलेगा, मैं इसीलिए तुमको पता है माइक्रोसॉफ्ट एज पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि विंडो कैप्चर कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट एज की है, और इसमें क्या इंटरनेट भी ओपन हो जाता है, वरना ना सोनी सर तो खैर ड्रॉप आउट में पढ़ाते हैं, ड्रॉप आउट में फिर क्या आएगी, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि ड्रॉप आउट जैसे करूंगा तो फिर आपको इंटरनेट इशू आएगा, गूगल ओपन नहीं होता ड्रॉप आउट में, यहाँ तो खैर माइक्रोसॉफ्ट में गूगल ओपन हो जाता है, सिंपल ये ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर, तो यहाँ पे आप देखो इसमें पेन चलेगा नहीं बिकॉज इंटरनेट इमेज है, सो देख ये दिख रहा है आपको फ्रंट में, ये 1 यूनिट सेल है, मैं पेन चला नहीं पाऊंगा तो आप कर्सर से देख लेना, ये वाला जो है ना ये 1 यूनिट सेल है, इसके पीछे ये वाला है ना, ये सेकंड यूनिट सेल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, सो ये जो नीचे वाला है ना पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा एक 4 यूनिट सेल्स है, और जस्ट इसके ऊपर अगेन 4 यूनिट सेल्स है, 1 2 3 4, सो कुल मिला के 8 यूनिट सेल्स, देर आर 8 यूनिट सेल्स, ये इसने ओरिजिन माना हुआ है, ठीक है ना, इस ओरिजिन के आसपास जो है ना इसने कुछ एटम्स रखे हुए हैं जो कि नियरेस्ट नेबर्स को ये फॉलो करते हैं, ठीक है, 12, नहीं यार रुको 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 रुको, ये फेस सेंटर क्यों दिख रहा है मुझे ऐसा, रुको रुको मुझे वापस जाना पड़ेगा, फेस सेंटर डायग्राम क्यों दिख रहा है मुझे, फेस पे भी रखी हुई है आइटम्स, नहीं रखा तो क्यूब में ही है, फेस पे तो नहीं है, ये बॉडी सेंटर्ड है, थोड़ा और जाएगा, मुझे वो लग रहा फेस पे रखा हुआ है डायग्राम, 1 मिनट, सिंपल क्यूबिक का डायग्राम है नहीं, और डायग्राम सर्च करने दो, कि हम लोग देख पाए, ये बॉडी सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर नहीं मिल रही क्या, ना ना वो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड तो क्या होता है बेटा, एक्चुअली फेस सेंटर की बात करते हैं ना, तो फेस सेंटर में तो जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं ना वही 12 होते हैं, हाँ एक बार सेंड करना व्हाट्सएप पे, एक्चुअली इंटरनेट पर तो 3D डायग्राम में ढूंढ रहा हूँ पर वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री डायग्राम मिल नहीं रहा, क्योंकि उसमें तो वो फेस सेंटर लग रहा है, क्योंकि फेस पर भी तो है उसमें एक, और उसमें जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं ना वो 12 होते हैं, तो वो दिखा रहा है आपको नियरेस्ट नेबर्स वाले, और हमको चाहिए सेकंड नियरेस्ट नेबर्स इन द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो वो चीज नहीं है वो, है ना, एनीवे नहीं, ये तो सिंपल फेस सेंटर ही तो है, देखो इसने क्या कर रखा है, ये एक एक फेस पे एक रखा हुआ है ना, तो जब एक एक फेस पे एक रखा हुआ है तो
नहीं, गूगल सर्च इंजन इस विंडो में खुलेगा नहीं बेटा, ये विंडो अलग है। जो विंडो कैप्चर कर रहा है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एज कैप्चर कर रहा है, कैप्चर डिवाइस चेंज करना पड़ेगा वरना मुझे। नहीं, डेली की होगी वो, आज ही होगी वो तो, मॉर्निंग में क्लास। तो हिमांशु ने कुछ सेंड किया, एक मिनट रुकना, हिमांशु का चेक कर लेते हैं। वो नहीं है हिमांशु, तुमने जो भेजा है वो गलत है, गड़बड़ है वो। वो तो केवल तुमने क्यूब का डायग्राम भेजा है बेटा, मुझे क्यूब का डायग्राम अकेला नहीं चाहिए ना, मुझे सेकंड नियरेस्ट नेबर चाहिए। हाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं तुमको इस डायग्राम में समझा सकता हूँ, ठीक है, इसमें समझा सकता हूँ मैं तुमको, समझना ध्यान से, भले इस डायग्राम में दिखा नहीं रखा बट मैं इसमें तुम्हें कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो इधर, जैसे मान लो कोई भी एक ले लो आप, ओरिजन ले लो कहीं पे भी, सपोज मैंने ये ओरिजन ले लिया, ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इसमें ये ओरिजन है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, जयोश्री दिख रहा है तुमको डायग्राम, ठीक है, सुनना ध्यान से जयोश्री, जो फेस के ऊपर होगा ना फेस डायगोनल, ठीक है, जो फेस डायगोनल होंगे ना उन फेस डायगोनल पे आप देखो, आपको 12 दिखाना है ना उसको, देखो इधर मैं दिखाता हूँ, रफ में आ जाओ, रफ में एक बार मैं आपको रफ में दिखाता हूँ, तुमको 12 आइटम दिखाने हैं उसको, है ना, सेकेंड नियरेस्ट, और वो 12 तभी दिख पाएंगे जब तुमको 12 फेस दिखेंगे। देखना ये ओरिजिन है मान लो, तो ये फेस डायगोनल है, इसे बोलते हैं फेस डायगोनल, तो एक ये रहा, ये फेस डायगोनल है, दूसरा ये रहा, ये फेस डायगोनल है, तीसरा ये रहा, तो तीन फेस तो आपको इसमें दिख रहे हैं, दिख रहे थे जी तीन फेस, ठीक है, तो तीन सेकेंड नियरेस्ट तो इसी यूनिट सेल में हो गए, इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा बेटा, इसके पीछे भी क्या होगा बेटा, एक यूनिट सेल होगा, नो डाउट, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, ऐसा कुछ करके ये रहा, एक यूनिट सेल यहां पे होगा, एक यूनिट सेल यहां पे होगा कहीं ना कहीं, ऐसा करके, ठीक है, तो जयश्री इस यूनिट सेल में देखना बेटा, यहां पर भी कैसे होंगे, ये इससे टच कर रहा है, ये एटम है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसको भी टच कर रहा है, तो ये भी फेस डायगोनल हो गया उसका, एग्जैक्टली अनिकेत, वही मैं कह रहा हूं, देखना मैं दिखा दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं, तीन में आपको दिखा चुका हूं व्हाइट कलर के डायगोनल, तीन में और दिखा दे रहा येलो कलर के डायगोनल, एक दो, ठीक है, और इसके पीछे की साइड भी एक होगा, वो तुम्हें दिख नहीं रहा बट इसके पीछे भी एक होगा जो इसके फेस को टच कर रहा होगा, ठीक है, तो तीन तो ये हो गए येलो कलर के, और दिखाता हूँ, चलो और देखो इसके नीचे आ जाओ, ये दिखाता हूँ,
ये लो नीचे दिखाता हूँ वो, नो ये देखो इसके नीचे का बना दिया मैंने। हाँ अब देखो मैं कलर चेंज करके आपको तीन और दिखाता हूँ। देखो इस वाले फेस को देखना बेटा, इस वाले फेस को एक, इस वाले को देखना दो, और ऐसे ही इसके बैक साइड पे भी होगा एक और, ठीक है? तो तीन ये हो गए, क्लियर? तीन ही हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? तो तीन तीन छह तीन नौ। अब एक और यूनिट सेल इसमें टच कर रहा होगा, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है? आपने इधर दे लिया, आपने इधर ले लिया। अब इसके फ्रंट साइड का यूनिट सेल देखना बेटा, फ्रंट साइड का यूनिट सेल कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये फ्रंट साइड का यूनिट सेल हो गया, ये फ्रंट साइड का। तो ये फ्रंट साइड के यूनिट सेल में भी ये तीन को टच करेगा, तो मतलब एक यूनिट सेल की चारों दिशाओं में उसके यूनिट सेल होगा, एक दो तीन चार, फ्रंट में और बैक में हर जगह एक कॉमन होगा, ठीक है? तो चार और दो छह, इसके पास छह डायरेक्शंस हैं, ठीक है? इसके पास छह डायरेक्शंस है बेटा, तो एक डायरेक्शन में तीन हो गए, तो छह दिया कितने हो गए? 18। बट इन 18 में से एक जो डायगोनल होगा ना, फेस डायगोनल, वो कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये जो है ना, इसका और ये इसका फेस, जैसे ये है, ये जो फेस है ना, ये कॉमन है। किस वाले में कॉमन है? राइट लेफ्ट साइड यूनिट सेल में और बैक साइड यूनिट सेल में। तो बैक साइड और लेफ्ट साइड में ये वाला डायगोनल कॉमन है, ऐसे हर साइड में एक डायगोनल कॉमन होगा। तो अगर वो कॉमन हुआ तो छह डायगोनल छह साइड के कॉमन हो गए, तो कितने हो गए? 12। इस तरह से 12 होते हैं, क्लियर? और ये सब 12 जो होते हैं, ये फेस डायगोनल हो गए, और फेस डायगोनल होने की वजह से उसका जो डिस्टेंस है वो √2a होगा। अंडरस्टूड? तो याद रख लोगे आप, ठीक है, कि 12 होते हैं, और 12 के अलावा किस डिस्टेंस पर होते हैं? ये वो होते हैं √2a डिस्टेंस पे, ठीक है? चलो अब लिख लो उसको फटाफट, और अब उसको आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया वो मेरा? क्या लिखोगे आप बेटा? हाँ लिखो यहाँ पे, देर आर 12 सेकेंड नेबर्स, देर आर 12 सेकेंड नेबर्स, देर आर 12 सेकेंड नेबर्स एट डिस्टेंस एट डिस्टेंस √2a फ्रॉम द रेफरेंस लेटिस पॉइंट, मतलब वही ओरिजिन की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम द रेफरेंस लेटिस पॉइंट, फ्रॉम द रेफरेंस लेटिस पॉइंट और रेफरेंस एटम और रेफरेंस एटम, ठीक है? ठीक है, तो वही मोनोएटॉमिक बेसिस होगा वो, तो खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड नेबर की बात करते हैं, ठीक है? नंबर 6 पॉइंट, थर्ड नेबर, आजकल थर्ड नेबर ही वो पूछ लेता है। थर्ड नेबर तो खैर √3a डिस्टेंस पर होगा, और मैं फिर बता दूं, बॉडी डायगोनल जो होगा, वही बॉडी डायगोनल जो होगा उसकी बात कर रहा हूँ, तो बॉडी डायगोनल के ऊपर डिपेंड करेगा। और तो आपको सिंपली इसको याद रखना है कि ये 8 होते हैं थर्ड एटम्स, और जो डिस्टेंस होती है वो √3a डिस्टेंस होती है, बस इसको सिंपल याद रख लो। नंबर ऑफ थर्ड नेबर्स
नंबर ऑफ थर्ड नेबर्स, तो ये कितने होंगे बेटा, वही कुल मिला के ये होंगे 8। ठीक है, सो देर आर 8 थर्ड नेबर्स। तो कोई यार 4 दिन खत्म हो गया। देर आर 8 थर्ड नेबर्स एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस √3a फ्रॉम द रेफरेंस लेटिस पॉइंट, फ्रॉम द रेफरेंस लेटिस पॉइंट, फ्रॉम द रेफरेंस लेटिस पॉइंट। ठीक है, और रेफरेंस एटम, वही सेम लाइन लिख देना, और रेफरेंस एटम। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक लास्ट चीज और बचती है इसमें, उसे बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, नंबर 8 जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बचती है इसमें, वो है इसका एटॉमिक फैक्टर। यूनिट में एक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो डायग्राम देखना, जो भी डायग्राम बनाया था ना आपको, तो एक जो है ना वो 8 यूनिट सेल थे उसके आसपास, तो 8 बॉडी डायगोनल होंगे उसके पास। किसी भी एक रेफरेंस एक्सिस जो होगा ना, एक रेफरेंस पॉइंट जो होगा उसके इर्द गिर्द अगर तुम देखोगे ना, तो वो 8 बॉडी डायगोनल उसके पास होंगे अवेलेबल, इसलिए वो 8 नेबर्स आता है √3 डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अनिकेत तो इंटेलिजेंट है यार। तो देखो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करते हैं, एटॉमिक, अनिकेत तुम अनअकैडमी के ऊपर तो क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड देखते हो कि लेक्चर्स, क्योंकि तुम क्लास में तो कम ही होते हैं, मुझे तो शायद बहुत रेयरली तुम कभी दिखे होगे, तो दिखे होगे क्लास में। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब कि वो एटम कितना फुल्ली पैक्ड है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक कमरा है, ठीक है, उसमें 100 स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, फुल ऑन फुल भरा हुआ है वो कमरा, तो उसका पैकिंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप, क्यों कितना भरा हुआ है, ठीक है ना, तो आप कैसे निकालोगे कि आप एक स्टूडेंट का वॉल्यूम देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लो, ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा टोटल स्टूडेंट्स का, द रिजल्टेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वो कुल मिला के हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स का वॉल्यूम। ठीक है, और एक रूम का वॉल्यूम आप देख लो, तो रूम के वॉल्यूम में से अगर टोटल स्टूडेंट्स के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना कमरा भरा हुआ है, वो रूम कितना पैक्ड है, वो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है ना, बहुत सिंपल सा गणित। तो इसमें कोई बड़ी रामायण नहीं, बहुत छोटी सी गणित है कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशो होता है, फ्रैक्शन मतलब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या फ्रैक्शन शोज हाउ मच, शोज हाउ मच फ्रैक्शन हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, हम रूम की बात कर रहे थे, हम यहां यूनिट सेल की बात कर लेंगे। बोलो एग्जाम्पल समझ में आ गया, रूम वाला इज फिल्ड विद, तुम किस जॉब में लगे हुए हो, इज फिल्ड विद
एटम्स, मतलब वो कितने एटम्स से भरा हुआ है, एटम्स से वो कितना भरा हुआ है वो आपको चेक करना होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल इन द यूनिट सेल। तो कितना यूनिट सेल ने भरा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो निकेत अच्छा काम कर रहा है। अपॉन कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा कमाओगे विष्णु कभी ना कभी। अपॉन एक तुमने डायलॉग सुना होगा, संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता उतनी ही ऊंची होती है ना। तुम संघर्ष करो विष्णु, तुम्हारी सफलता बहुत ऊंची होगी, डोंट वरी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बहुत सिंपल सा होता है, मैंने आपको पहले समझा दिया। अब आपको मैंने पहले बताया था कि कितने इफेक्टिवली एटम्स उस यूनिट सेल में वर्क कर रहे हैं, वो आपको एन इफेक्टिव से शो होगा। तो एन इफेक्टिव जो भी होगा आपका वो देख लो। सो एन इफेक्टिव जो कल आपको मैंने समझाया था, मल्टीप्लाई विद द एक एटम का वॉल्यूम, कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस यूनिट सेल में वो देख लो, और एक एटम का वॉल्यूम देख लो, तो टोटल एटम्स का वॉल्यूम आ जाएगा। और आपको खैर तो पता ही है कि यूनिट सेल का वॉल्यूम ये होता है। तो इफेक्टिवली एक एटम वर्क कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और इसको किसी को भी एक आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू, यहाँ पे आप लोगों ने देखा है। सो इसको आर की वैल्यू को ए अपॉन टू कर दो, ठीक है ना। अरे मैं कहाँ लाखों में कमा रहा हूँ यार, अनिकेत तुम भी अफवाह उड़ा रहे हो। 4/3 πr³ अपॉन ए क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा π/6 इज इक्वल टू सिंपली 0.52, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 52%, ठीक है, 52%। ओके सो परसेंटेज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 52%। तो लगभग लगभग आधा हो गया ये। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, वो आधा भरा होता है आधा खाली। दैट मीन्स द सिंपल क्यूबिक इज हाफ फिल्ड एंड ऑलमोस्ट हाफ इज ब्लैंक। ओके तो ये आपको याद रखना होता है। खैर एक चीज और है, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है जरूरी, बट हाँ याद होनी चाहिए कि ये लूजली पैक्ड होता है। मैंने आपको याद है लास्ट टाइम भी जब पढ़ाया था तो मैंने एक बार बताई थी कि जिसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 74% से कम होता है वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, एक लाइन लिख लो चाहो तो, इफ कोऑर्डिनेट नंबर लेस देन 12, इफ कोऑर्डिनेट नंबर इज लेस देन 12, इफ कोऑर्डिनेट नंबर इज लेस देन 12 एंड एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज लेस देन 74, लेस देन 74% देन इट इज लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, देन इट इज
लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये कौन सा टाइप का होगा? अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका टाइप कौन सा होगा पैकिंग फैक्ट्री का, तो आप क्या बोलोगे? लूजली पैक्ड होगा ये ना। तो ये भी एक बात होती है खैर, जो आपको ध्यान रखने लायक। तो मैं इसको अगर नाम दूं तो मैं 8 नंबर पॉइंट इसको नाम दूंगा कि टाइप ऑफ पैकिंग क्या होगा इसका, टाइप ऑफ पैकिंग क्या होगा इसका, टाइप ऑफ पैकिंग देखा जाए तो इसका टाइप होगा लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तुमसे क्या क्या एग्जाम्पल ये फॉलो करेगा, तो पॉलिनोमियल एग्जिबिट, जो पॉलिक्रिस्टल्स होते हैं ना वो एग्जिबिट्स, पॉलिनोमियल एग्जिबिट दिस स्ट्रक्चर। ऐसे खैर आपको मैंने लिखा भी रखे एग्जाम्पल, तो आप कहीं भी लिखा रखे हैं। सो पॉलिनोमियल एग्जिबिट दिस स्ट्रक्चर फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर मोनो एटॉमिक बेसिस, और मोनो एटॉमिक बेसिस एंड सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एग्जिबिट दिस स्ट्रक्चर, एग्जिबिट दिस स्ट्रक्चर फॉर डाइएटॉमिक। बिकॉज सीजियम और क्लोराइड इसमें दो तरह के एटम्स होते हैं, इसीलिए इसको डाइएटॉमिक बोलते हैं। और डाइएटॉमिक होने के बावजूद भी ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है, ठीक है। सारे पैरामीटर्स आपको समझ में आ गए सिंपल क्यूबिक के। अब यही सेम पैरामीटर्स जो है मैं आपको समझाने वाला हूं किसमें, बॉडी सेंटर्ड में। तो फटाफट से समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बॉडी सेंटर्ड में, क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पहली बार में टाइम लगा था इस चीज को लेके कि क्या पैरामीटर्स वर्क कर सकते हैं। और पैरामीटर्स जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको 9 पैरामीटर्स दिखा दिए, देर आर 9 पैरामीटर्स। सो कैसे इन पैरामीटर्स को आपको समझना है वो मुझे समझाने में टाइम लगा, बट अब मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपको पता है कि वो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। सो सेकेंड टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो आज का आपका टारगेट है ना, मुझे एफसीसी भी करवाना है आपको, तो वो मैं भी करा के मार दूंगा, चिंता मत करो। सो बीसीसी वाला काम तो कर लेते हैं फटाफट से, जो हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है अब इसमें क्या क्या निकालना है। केवल डायग्राम माइंड में रखना है, बाकी सब स्मूथली हो जाएगा। डायग्राम क्या है बेटा? बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब समझते हो, बॉडी के सेंटर पे। तो जैसे मान लो बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसका, ये आपके पास में कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर है और ये क्यूबिक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक तो बनाना पड़ेगा आपको। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है इसलिए इसकी बॉडी पर एक एटम, कल आपको मैं दिखा चुका हूं कि एक्चुअल में बॉडी सेंटर्ड क्या होता है वो भी बताएंगे, चिंता मत करो, छोड़ना, डाउट तो बताएंगे सी। सेकंड नंबर का है ना वो सवाल, वो बता दूंगा मैं। तो ये होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड, इसमें 8 एटम्स कॉर्नर पे रखे होते हैं, जैसा कल आपको मैंने 3D डायग्राम दिखाया था वैसा, और बाकी 1 एटम जो है मिड में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, यानी लिखो इन द बीसीसी लैटिस, इन द बीसीसी लैटिस, लैटिस पॉइंट्स आर अवेलेबल, लैटिस पॉइंट्स आर अवेलेबल एट ईच कॉर्नर्स, एट ईच कॉर्नर्स वन बॉडी सेंटर एंड वन
एट सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉडी। सर सेकंड क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन, सर दो सवाल हैं, तो तुम मुझे वो टेलीग्राम पे सेंड करना, सुनाना, समझा देंगे ना। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें सबसे पहले पैरामीटर निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल, है ना। पॉइंट नंबर एक निकालते हैं इसका, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स, नंबर ऑफ एटम्स, मोनाटॉमिक बेसिस की बात कर रहा हूं मैं ना बेटा, ये श्योर कर लेना कि हम लोग मोनाटॉमिक की जब बात करते हैं ना तो ऐसा होता है, मोनाटॉमिक बेसिस में ही बात कर रहे हैं हम लोग। और नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें होते हैं एन इफेक्टिव, कि जब बात करते हैं तो वही सेम फॉर्मूला काम करता है, इंटीरियर कितना है, ठीक है ना, फेस पर कितने हैं, क्योंकि फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और सेंटर में कितना है, सॉरी कॉर्नर पे कितना है। तो इंटीरियर तो एक है, अंदर की तरफ देख लो आप बॉडी में, फेस पर कोई भी नहीं है, और कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं, तो कुल मिला के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएंगे, याद रखना है ना। और देर आर 2 एटम्स और 2 लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल, ठीक है। सेकेंड जो था हमारे पास वो था कोऑर्डिनेट नंबर। तो बच्चों कोऑर्डिनेट नंबर तो खैर आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी सेंटर्ड है, तो मतलब बॉडी पे आपको जाना पड़ेगा। तो देखो कोई भी एक ओरिजन ले लो, ये देखो जैसे मान लो ये ओरिजन है, तो इस ओरिजन से इस बॉडी के, जैसे कमरा है, इस कमरे को ज़ूम कर लो, रूम को, और बीच में जस्ट रूम के बीच में कोई ना कोई एक एटम रखा हुआ है, आपको उस एटम तक जाना है किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा a/2, वाई में चलना पड़ेगा a/2, और जेड में भी चलना पड़ेगा a/2। अब वो a/2 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 आप चाहे तो प्लस 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 में चलें, चाहे तो माइनस 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 में चलें, या फिर प्लस माइनस माइनस कुछ भी करके चलें, बट आपको सेंटर तक आना है, ठीक है। जैसे मैं इस वाले एटम तक आना चाहता हूं, तो मुझे एक्स में प्लस चलना पड़ेगा, वाई में भी प्लस a/2 चलना है, और जेड में -a/2 चलना है, तब जाके मैं इस एटम तक पहुंच पाऊंगा। चलिए ठीक है, इसके इधर भी लेफ्ट साइड में कोई यूनिट सेल होगा, राइट साइड में कोई यूनिट सेल होगा, अप साइड में, डाउन साइड में, फ्रंट साइड में और बैक साइड में, इस तरीके से हो सकता है बहुत सारे यूनिट सेल हो, और हर यूनिट सेल के सेंटर में कोई ना कोई एटम होगा, और उस एटम तक पहुंचने के लिए आपको वेरियस प्लस माइनस a/2 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको चलने के लिए a/2 ही चलना है, और तीनों डायरेक्शन में चलना है, ये श्योर कर लेना कि आपको बीच के एटम तक पहुंचने के लिए a/2 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 चलना पड़ेगा, एक्स में, वाई में और जेड में। सो जो सेकंड आपका पॉइंट है कोऑर्डिनेट नंबर, जो सेकंड आपका पॉइंट है कोऑर्डिनेट नंबर, वो क्या होने वाला है बेटा, लेट बॉडी सेंटर्ड एटम, लेट बॉडी सेंटर्ड एटम और लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट पॉइंट इज ओरिजन,
चलो कोई बात नहीं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो बीच वाले आइटम को ओरिजिन मान लो, कोई भी एक मान सकते हो आप। मंगल सिंह, क्या हाल चाल है? द नियरेस्ट नेबर विल बी एट द नियरेस्ट एटम विल बी एट, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, कुल मिला के ये होगा प्लस माइनस ए बाई टू। मंगल सिंह वॉन्ट टू स्पीक समथिंग? क्यों मंगल सिंह, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? प्लस माइनस ए बाई टू और प्लस माइनस ए बाई टू। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ये कितने बनेंगे बेटा, जरा बताना मुझे, बना के देखें कॉम्बिनेशन। चलो मैं ना बस एक बना के दिखाऊंगा, बाकी आप बना लेना। प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई टू, एक तो ये बनेगा, मतलब तीनों प्लस होंगे या फिर तीनों माइनस होंगे, ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू, या फिर दो प्लस होंगे एक माइनस होगा, ठीक है, या फिर दो माइनस होंगे एक प्लस होगा, ठीक है, या फिर प्लस ये वाला होगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है, या फिर ये माइनस ये प्लस और ये माइनस होगा, ओके, ये माइनस ये प्लस ये माइनस होगा, या फिर ये प्लस ये माइनस ये माइनस। इसके अलावा कुछ और हो तो बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ठीक है। और नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस आपको निकालना है, सो देर आर 8 नियरेस्ट नेबर्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट नंबर वो होता है जिसके नजदीकी होता है, जो सबसे नियरेस्ट होता है ना वही कोऑर्डिनेट नंबर कहलाता है। सो देर आर 8 नियरेस्ट नेबर्स, या फिर इसको कोऑर्डिनेट नंबर भी बोल सकते हो। सो नियरेस्ट नेबर्स को कोऑर्डिनेट नंबर भी कहते हैं, तो ये 8 हो गया। अब डिस्टेंस निकालो, है ना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालो। नंबर तीसरा पॉइंट जो आपका था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वही तरीका, कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो, उसका स्क्वायर सम कर दो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो जो मैंने आपको कल समझाया था, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कि एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं तो 2R तो खैर वो होगा ही सही, वो दिक्कत नहीं है, बट किसी भी एक कोऑर्डिनेट को उठा के स्क्वायर सम कर दो, ये सबसे सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है निकालने का, तुमको जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। तो मैं पहला ही वाला उठाता हूँ, कोई भी एक उठाता हूँ ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका हो जाएगा √3/2 ए, ठीक है, कुल मिला के। सो ये आप देख सकते हो, ठीक है, √3/a। नंबर ऑफ सेकेंड नेबर्स, बार बार हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, खैर बस आपको याद रखना है, पहले ये लिख लो, एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो खैर वही है, बिकॉज ये क्यूबिक है इसलिए क्यूब का ही वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक स्ट्रक्चर होने की वजह से सिंपली क्यूब का ही आने वाला है, तो इसको आप वी इज इक्वल टू ए क्यूब से ही डिनोट करो, ठीक है। नंबर फिफ्थ, ठीक है, नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स, नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स, वो हो जाएंगे 6, और किस डिस्टेंस पर होंगे वो, एट डिस्टेंस, तो ये तो ए 1 से कम है ना, ये सबसे नियरेस्ट है जो 0. समथिंग ए पर है, और सेकेंड नियरेस्ट जो होता है ना वो ए पर होता है, ठीक है, तो
थर्ड नियरेस्ट फेस डायगोनल मतलब रूट टू ए पर होगा। सो नंबर ऑफ थर्ड नियर नेबर्स, थर्ड के ऊपर वो पूछेगा नहीं आपसे, नंबर ऑफ थर्ड नेबर्स और तो कुल मिला के 12 होंगे बेटा। 12 एट डिस्टेंस, 12 एट डिस्टेंस रूट टू ए, ठीक है। अब इसमें ना एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर ऐड होगा, कौन सा पॉइंट ऐड होगा जरा बताएंगे आप? वो होगा प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम, क्योंकि ये प्रिमिटिव नहीं है, यहां पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है, दो है, तो ये जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है ना वो दो एटम्स के लिए है। सो द यूनिट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज फॉर द टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, बट इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रिमिटिव सेल वॉल्यूम दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल विच कंटेन ओनली वन एटम, सो यू जस्ट सिंपली डिवाइड दैट यूनिट सेल वॉल्यूम बाय द टू, यू कैन फाइंड द सिंगल एटम वॉल्यूम, इज इट? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव? प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल विच कंटेन ओनली सिंगल एटम और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस पॉइंट्स इज वन। अगर आपको ये निकालना है तो टू लैटिस पॉइंट्स है बिकॉज एक यूनिट सेल में टू लैटिस पॉइंट्स है ना इसमें, सो टू लैटिस पॉइंट्स हैव कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है वो, ए क्यूब, तो वन लेटेस्ट पॉइंट कितना कंटेन करेगा, ए क्यूब बाई टू, वन लेटेस्ट पॉइंट ए क्यूब बाई टू, सो बस तो ये तुम्हारा आंसर होगा। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए क्यूब बाई टू, सिंपल। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पे तो क्या था, सिंपल क्यूबिक में वो खुद ही प्रिमिटिव था, तो उसका यूनिट सेल खुद प्रिमिटिव था, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होगा वो उसी का होगा, इसका प्रिमिटिव सेल का। अब बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, डेफिनेशन आपको पता ही है, खैर मैं लंबा नहीं लिखाऊंगा। सो डेफिनेशन सिंपल सी होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, सो एन इफेक्टिव मल्टीप्लाई विद द 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो यहां पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, हाँ निकेत कुछ कहना है? सो टू मल्टीप्लाई विद द 4/3 पाई, अब आर की वैल्यू आप लोग निकाल लो, अभी आपने ऊपर देखा था रूट टू आर इज इक्वल टू कितना होता है, √3a/2 होता है, उससे आर निकल जाएगा, तो √3a/4 क्यूब अपॉन ए क्यूब। थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सो आफ्टर सॉल्विंग 8, सो यू कैन सिंपली से 0.68 इसका वैल्यू आएगा, और परसेंटेज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की अगर बात करें तो वो 68% यहाँ पर होगा, ठीक है 68%। एक मिनट मैं आपको अलाउ करता हूं बोलने के लिए। हेलो। हाँ ये तो आ रही आवाज, हाँ हेलो। हाँ सर, एक्चुअली तो अभी अपने क्लियरली सुनो सुनो अनिकेत, एक काम करो तुम मुझे पहले नंबर पे कॉल करो, तुम्हारा आवाज से आएगा नहीं, तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे आवाज थोड़ी आ रही है सही से। बहुत नॉइज आ रहा है अनिकेत, तुम मुझे कॉल ही कर लो सही रहेगा, ठीक है मैं तुम्हें ऑन कॉल बात कर सकता हूँ। सो टाइप ऑफ पैकिंग जो होगा उसका,
वो लूजली पैक्ड होगा, नो डाउट, टाइप ऑफ पैकिंग जो होगा इसका वो होगा लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, लूज हाँ। अनिकेत तुम्हारी कोई साउंड नहीं आ रहा था, तुम एक काम करो, मुझे मेरे मेन नंबर पे कॉल करो, मैं तुमसे ऑन कॉल ही बात कर सकता हूँ, वो ज्यादा क्लियर होगा, और स्पीकर पे रख दूंगा तो बाकी सब सुन पाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तुम मुझे मेरे मेन नंबर पे कॉल करो, मैं स्पीकर पे बात कर लूंगा तुमसे। लूज पैक स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम्पल अगर इसके हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल होगा इसका FeNaK, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। हाँ नॉर्मल कॉल करो, नॉर्मल कॉल है ना, ETC। एग्जिबिट दिस स्ट्रक्चर। अब लास्ट वो पढ़ना है हमको FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो आज का टारगेट है, वो और आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो नंबर थर्ड है, बस फेस के सेंटर पे एक होता है, सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की अगर बात करें, मान लो हेलो, हाँ निकेता बोलो। एक्चुअली वो डाउट सर रिगार्डिंग प्रिमिटिव यूनिट सेल में था हाँ बोलो। सर, वहां पे आपने टू लैटिस पॉइंट्स ऐसा क्यों वहां पे लिखूं यूनिट सेल में? हाँ तो सही है ना, देखो मेरी बात सुनो, जो एक यूनिट सेल होता है ना बीसीसी का, उसमें इफेक्टिवली दो एटम्स होते हैं या फिर दो लैटिस पॉइंट होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। ऊपर देखो आप, तो ऊपर जाते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल इफेक्टिवली कितने हैं हमारे पास, दो ही हैं। क्यों है दो? क्योंकि ऐसे तो हमारे पास एट कॉर्नर पे एट है और मिड में एक है, बट क्या वो एट कॉर्नर्स के अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस यूनिट सेल में? नहीं दे पा रहे, अपना 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इफेक्टिवली जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना इस पूरे यूनिट सेल में, वो ये तो पूरा पूरा कर रहा है 100% कंट्रीब्यूशन, बट बाकी 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनका मिला के, आठों एटम्स का मिला के एक एटम ही इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, सर अभी क्लियर हो, मतलब है ना उसका वॉल्यूम। एक बॉडी सेल, एक यूनिट सेल के सेंटर का एक और बाकी 8 कॉर्नर्स के हर एक का 1/8 × 8 हाँ, क्योंकि सबका देखो करेगा। ये जो एटम है ना, इसका पूरा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट हो ही ना, इसका केवल 1/8 वॉल्यूम ही कंट्रीब्यूट हो रहा है इस एटम में, तो इसीलिए मैंने वॉल्यूम जो माना है वो एक एटम का 1/8 माना है, तो टोटल 1 एटम का 4/3 πr³ एक पूरे एटम का हो गया, इसीलिए वो। हाँ अब ये देखो FCC स्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर FCC की बात करें मान लो, सो FCC स्ट्रक्चर बड़ा आसान होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है ना, इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन सर दो, एक मिनट, जो सीने में कुछ कहा है, एक मिनट को मुझे कमेंट पढ़ने के लिए वापस ही आना पड़ेगा, जस्ट वेट।
हेलो, आवाज आ रही है? मेरा पता नहीं, शायद लैपटॉप हैंग सा। हेलो हेलो हेलो, मुझे तो म्यूट सुनाई दे रहा है, तुमको सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, ठीक है। तो कैमरा ठीक है? अरे नहीं, हम दो लेटिस पॉइंट का एक क्यूब नहीं ले रहे हैं। बताओ, अब दिखाई दे रहा है कैमरा? हेलो, अब म्यूट है कि ठीक है? मुझे लग रहा है मोबाइल से कनेक्ट हो गया वो। मुझे ऐसा लग रहा है वो कैमरा जो है ना, मोबाइल से कनेक्ट हो गया मेरे। अब आप दिखाई दे दिखाई रहा दे है रहे हैं क्या? क्या? अब मुझे लग मुझे रहा लग है रहा ना है वो वो मोबाइल मोबाइल से से कनेक्ट कनेक्ट हो हो गया। गया। रुको, रुको, मुझे मुझे एक एक काम काम करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, मोबाइल मोबाइल से से ऑफ ऑफ करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। रुको, रुको। हाँ, अब बताओ, अब मैंने मोबाइल से ऑफ कर दिया, अब कुछ दिखाई दे रहा है? ब्लैंक ब्लैंक। वो इसकी वाली है। अंधकार, अनिकेत के कॉल आने के बाद पता नहीं क्या ही समस्या हो गई मेरे को, ये समझ नहीं आ रही। इतना बढ़िया चल रहा था सब कुछ। अभी कुछ दिक्कत आ रही है क्या? आप दिख रहे हो तो ये क्यों नहीं दिख रहा? फिर ये भी दिखना चाहिए।
बताओ, अभी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है क्या? ब्लैंक ब्लैंक, आज तो दिन ही खराब सा लग रहा है, पता नहीं क्या ही हुआ है। रुको, इंटरनेट इशू तो मैं सही कर दूंगा, इंटरनेट इशू की दिक्कत नहीं है क्या? आप बताओ, स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन भी दिख रही है, इतनी बढ़िया तो दिख रही है, मुझे दिख रही है। मुझे तो इतनी शानदार स्क्रीन दिख रही है जिसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिखा हुआ है, तुमको दिख रही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाली? मैंने बंद कर दी एक्चुअली, मैंने अपने आप को बंद करके दिखाना। मैंने अपने आप का चेहरा बंद कर दिया ताकि इंटरनेट इशू दिक्कत नहीं दे। अरे भैया, मैं तो कहाँ से इंटरनेट का हूँ, मैंने तो कोई इशू नहीं कर रहा था। तो कोई मिनट, अब ठीक है? ग्रीन सर्किल, क्लास ही बढ़िया होती है, ठीक है? कनेक्शन वगैरह सब बढ़िया होता है मॉर्निंग के टाइम पे, अभी कनेक्शन पता नहीं क्या ही दिक्कत दे रहा है। अब आ रहा है बढ़िया, स्क्रीन ठीक दिख रही है ना? मुझे तो स्क्रीन से मतलब है, मेरा चेहरा दिखे जाने दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 2-5 मिनट की बात और है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक को बताना है, उसके बाद खत्म क्लास। अच्छा, स्क्रीन भी नहीं आ रही क्या? रुको, एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है फेस सेंटर्ड कल कराते हैं। तो सुनो, मुझे कराना तो खैर आज ही था ये, बट मुझे लग रहा है कल ही कराना पड़ेगा, अभी मॉर्निंग में। दिख गया क्या स्क्रीन? श्योर सही है? बता दूं फेस सेंटर्ड फटाफट से? अब बोलो, मैं नहीं दिखूंगा, मैंने बंद कर दिया अपने आप को। ठीक है, ओके, चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है। देखो,
सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है ना उसमें है ना सिंपली आप ये बात बोल सकते हो कि 6 के 6 फेस जितने भी होते हैं ना आपके पास में, वो सभी फेस पर एक एक एटम अवेलेबल होता है, ठीक है ना। सभी फेस पर एक एक एटम अवेलेबल होता है, उसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहा जाता है, ठीक है। तो डायग्राम आप देख लो एक बार को, ठीक है। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है और इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर के एक फेज पर एक अवेलेबल होगा, ठीक है। एक फेज पर एक, मतलब ये एक फेज है, ये भी एक फेज है, ये भी एक फेज है, हर से पीछे वाला जो फेज आपको दिख रहा है ना, इसका सेंटर में आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये पीछे वाला फेज है, इस पीछे वाले फेज का, ये फेज की बात कर रहा हूँ मैं, इस फेज का सेंटर जो होगा वो ये होगा, इस पर भी एक होगा, एक फ्रंट वाला फेज होगा बेटा, देखो इधर ये फ्रंट फेज होता है, इस फ्रंट फेज के सेंटर पे भी एक एटम होगा, तो ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास 6 फेज हैं और 6 फेज के सेंटर्स पे सारे एटम्स इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है ना। 6 फेज के सेंटर्स पे सारे एटम्स इस तरह से रखे हुए हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो सो यहाँ यहां पे पे आप आप देखो, देखो, अगर अगर हम हम लोग लोग देखें देखें तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो उसकी, इन दिस लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई इन दिस लैटिस लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई हिमांशु, तुम मुझे कॉल कर सकते हो बेटा, ऑक्यूपाई 8 कॉर्नर्स एट कॉर्नर्स एंड 6 फेस एंड 6 फेस सेंटर्स, ठीक है। 6 फेस सेंटर्स पर होंगे ऑफ क्यूबिक यूनिट से, ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो किसी भी एक तक आपको पहुंचना है, तो अब इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं हम लोग। इसका पहला पॉइंट जो होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल वो कितने होंगे इसमें। बहुत सिंपल सा आप लोग देख सकते हो कि जो एन इफेक्टिव होंगे वही सेम फॉर्मूला, एन आई इंटीरियर कितना है, फेजेस पर कितने हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, और कॉर्नर्स पर कितने हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। सो अंदर तो 0 है, फेस पर आपके पास 6 फेस पे 6 हैं, ठीक है, और 8 कॉर्नर्स पे 8 हैं, सो 3 + 1 दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 लैटिस पॉइंट्स होंगे एक यूनिट सेल में, या फिर 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। नंबर दूसरा होता है इसका कोऑर्डिनेट नंबर कि कितने नियरेस्ट होंगे, तो वो आपको मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बताया था ना, वो फेस सेंटर्ड का ही था। सो कोऑर्डिनेट नंबर या फिर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स की अगर बात करें तो वो होंगे हमारे पास कुल मिला के 12। कैसे होंगे, ठीक है,
सो अगर ओरिजिन 0 0 0 पे ले ले हम लोग, मान लो ठीक है, अरे समझ में तो आ गया, बट वो नेटवर्क इशू आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि जैसे आपको पहुंचना है किसी भी एक एटम तक, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपको टू डायमेंशनली चलना पड़ेगा। टू डायमेंशन का मतलब ये होता है ठीक है ना, एक्स में आपको चलना पड़ेगा और यहाँ पर जेड में चलना पड़ेगा। सपोज आपको यहाँ तक पहुंचना है तो वाई में चलना पड़ेगा और एक्स में चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको अगर नियरेस्ट एटम तक जाना है तो केवल दो ही डायमेंशन चलनी पड़ेगी। तो या तो एक्स वाई आप लोग चल लीजिए, या फिर वाई जेड चल लीजिए, या फिर जेड एक्स चल लीजिए। तो इस तरह से कुल मिला के हम कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं इसमें, तो कुल मिला के हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाएंगे। देर आर टोटल 12 कॉम्बिनेशंस इन दैट कंडीशन ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन आप खुद बनाएंगे ठीक है। मैं आपको फिर भी एक हिंट कर देना, 12 कौन कौन से बनेंगे, प्लस प्लस 0 ठीक है, 0 सॉरी प्लस प्लस 0 प्लस, मैं एक हिंट कर रहा हूं, प्लस 0 प्लस, ये आप खुद बना देना। a/2 दिखना है बस आपको है ना, 0 प्लस प्लस मतलब कि 0 प्लस a/2 प्लस a/2 ठीक है, प्लस माइनस 0 ठीक है, प्लस माइनस 0 के बाद में ऐसे मान लीजिए प्लस 0 माइनस ठीक है, 0 प्लस माइनस ओके, माइनस प्लस 0 माइनस 0 प्लस और 0 माइनस प्लस, एक बार चेक करना वो रिपीट तो नहीं हो रहा ठीक है, और माइनस माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस माइनस, आई थिंक शायद हो गया 12। सो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12। सो देर आर फोर कोऑर्डिनेट नंबर्स और देर आर फोर नियरेस्ट नेबर्स। हाँ मैं समझ गया हिमांशु तुम्हारी बात, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम जो हो रही है पर वो हो जाएगी सॉल्व, चिंता मत करो। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अगर बात करें हम लोग, नंबर थर्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस अगर हम बात करें, सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, तो मैंने आपसे कहा था कि केवल किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आप स्क्वायर सम कर दो, कोई भी एक ले लो। तो a/2 का होल स्क्वायर ले लो, पहला वाला ले लो ठीक है, प्लस a/2 ले लो और 0 ले लो ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे पास हो जाएगा a/√2, कितना हो जाएगा a/√2 ओके। फोर्थ नंबर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो खैर ये तो वही होगा जो तुमको पहले बताया था मैंने, a³ के बराबर ही होगा वो ठीक है। और नंबर फाइव, नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स, नंबर ऑफ सेकेंड नेबर्स वो होंगे 6, और वो कहां पर होगा, एट डिस्टेंस ए। नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट, नंबर ऑफ थर्ड नेबर तो वो होंगे टोटल मिला के 24, बस थर्ड तक ही पूछता है वो है ना, एट डिस्टेंस रूट ऑफ 3/2 a। अब ये कैसे होगा उसको समझने के लिए तो बहुत लंबा रामायण है ठीक है, बट हाँ आपको ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में
चार तक तो खैर वो पूछता है, और लास्ट बचता है इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, नंबर लास्ट बचता है इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। इसमें फोर एटम्स हैं, एक का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 πr³ अपॉन ए क्यूब, वही आर की वैल्यू कितनी है आप खुद देख लो ऊपर से, ए अपॉन 2√2, तो ए अपॉन 2√2 आप खुद करके जब रखेंगे सो 0.74 आएगा, और परसेंटेज में देखोगे तो 74%। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है आर की वैल्यू ए बाई 2√2 पुट करने के बाद, ठीक है, तो 74% ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि जो टाइप ऑफ पैकिंग हुआ इसका, टाइप ऑफ पैकिंग हुआ इसका, टाइप ऑफ पैकिंग जो होगा इसका वो होगा क्लोज्ड पैक्ड, क्योंकि इसमें 74% आ गया ना, तो 74% का मतलब कितना हो गया, ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इसे बोल देंगे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो तो इसके एग्जाम्पल ले लो एल्यूमिनियम, निकिल, कॉपर, एजी, एयू, ठीक है, पीटी, एनएसएल, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं। हिमांशु आदमी बढ़िया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस ये तुम्हारा एफसी खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे जो बाकी की स्ट्रक्चर्स है ना उनके बारे में जानकारी हम लोग कल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अभी फिलहाल डाउट है दोबारा, तो स्वर्णा दोबारा डाउट जो है ना तो मुझे एक बार के लिए जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दो, तुम चिंता मत करो, तुम टेलीग्राम पे मुझको सेंड कर दो उस डाउट को। ठीक है, तुमने कर दिया कि नहीं किया वो डाउट सेंड, मैं तुमको ऐसे गाइड कर दूंगा उस डाउट के बारे में, ठीक है ना। और किसी को कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे मुझे बता देना एक बार, मैं उसके डाउट सॉल्व कर दूंगा, बट फिलहाल मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी बिकॉज अभी बहुत इश्यू आ रहा है क्लास में ना। ठीक है सोना है ना, मैं देखता हूँ कल मॉर्निंग में मिलेंगे 7:30 को, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है मॉर्निंग में सब सही चलता है, इवनिंग में दिक्कत रहती है यार नेटवर्क में। हाँ मैं बता दूंगा, नो नो इशू, दोनों सवाल बता दूंगा मैं। ठीक है, बाय बाय।